अस्सलाम बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई हमारी शहजादी ये है, थोड़ा सा हम लोग जल्दी में इस टाइम पे। एज यू गाइस कैन सी भाईजान गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी है, बट कोई बात नहीं। अल्लाह अकबर, सीन तो ज़रा क्या तुम लोगों को बताता हूँ। भाईजान मैंने लास्ट व्लॉग एक डाला था, या पता नहीं व्लॉग, मैं कोशिश करूँगा उस व्लॉग के साथ मर्ज कर दूँ। अगर वो छोटा हुआ और ये लंबा हुआ तो दोनों को आपस में मिला दूंगा, इस तरह कुछ कर लूँगा। बहरहाल सीन को जिस तरह भाईजान हमने लास्ट ना एक गाड़ी का टोकन किया, बिजनेस की गाड़ी थी, गाड़ी उठानी थी भाई साहब, ईद से पहले गाड़ी चाहिए थी, तो वो बंदा भाईजान अपनी बात से मुक रही। बहरहाल उसके साथ अभी तक बहस चल रही है, बहना ही साहब बहना, हम लोग से लेना था। लेकिन अभी हम लोग एक गाड़ी का ना टोकन करके आए हैं। गाड़ी कौन सी है, क्या डिटेल है, सारे कुछ तुम लोग को बताऊंगा। वॉलेट ले लिया, पेंट टचर चाहिए था भाई, ये मेरे समझ लो दोनों के दोनों मोबाइलों की बैटरी डेड है, स्टाम हमारे पास ये रहा, फुल चिल सीन है। अभी सीन को जिससे मैंने जाना है मुनीब की तरफ, मुनीब को पिक करना है, फिर हमने जाना बंदे की तरफ भाईजान, उसको पेमेंट करनी है, पेमेंट करके गाड़ी की डिलीवरी लेनी है और हमने आ जाना है घर। तो इट माइट बी पॉसिबल कि तुम लोगों को थोड़ा सा लगे कि यार ये जो व्लॉग है ना ये जरा गाड़ी के अंदर बन रहा है, तो जरा बर्दाश्त करें ना। लंबी नहीं करते, बिस्मिल्लाह करते हैं। कोई भाई मैं कम से कम भी कोई 3-4 दिन बाद ये गाड़ी चलाने लगा हूं, माशाल्लाह से हमारी फ्यूरी। सुभान अल्लाह यार, शहजादी एज ऑलवेज। अच्छा बॉयज एक और चीज, जो पहली गाड़ी वाला सीन था ना वो भी जरा तुम लोगों को ना मैं रास्ते में बताता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग ज्यादा लेट नहीं करते और बस बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। भाई साथ साथ तुम लोगों को मैं रास्ते में भाई पूरी की पूरी कहानी सुनाऊंगा और साथ साथ तुम लोग भाई के पार्ट चेक करो। अच्छा बॉयज मुझे ना अभी उसी बंदे की ना कॉल आई हुई थी, थोड़ा सा क्लिप बनाने में मुझे टाइम लग गया। मुझे अभी उसी बंदे की कॉल आई थी जिससे हमारी लास्ट टाइम डील हुई। मैं तुम लोगों को थोड़ा सा सीन बताता हूँ। 2017 मॉडल जो थी ऑटो सॉरी मैनुअल थी, ठीक है, होंडा सिटी, तो उसकी हमारी डील हुई 30,10,000 रुपये में, ठीक है। तो मौके पे कैश सिर्फ 5,000 पड़ा था, तो 5,000 उसको टोकन दे दिया वह। तो अगले दिन लो जी उसी बंदा की मुझे दोबारा कॉल आ रही है। एक बार मैं कॉल जरा अटेंड करके फिर तुम लोगों से बात करता हूँ। अच्छा जी सीन को जिस तरह होता है यार, 5,000 उसको टोकन करते हैं, ठीक है, 30,10,000 रुपये में ना उसे डील कर लेते हैं। रात भाई का मुझे मैसेज, मैंने कहा यार अपना आई कार्ड भेजो, स्टाम बनवाना है यार। रात मुझे भाई का मैसेज आता है, भाई कहते हैं कि जी मेरा तो बड़ा भाई नहीं मान रहा, तो ये नहीं है तो वो नहीं, आपने काम करो, जो आपने बयाना दिया ना बयाना के साथ बयाना ले लो, मुझे 31 लाख रुपए लग रहा है। तो मैंने कहा यार बड़ा खपे ले, बड़े खपे में यार, मैंने बड़ी कोशिश की यार डील बनाए, मैं तो पूरी रात में उसे खपा, नहीं माना। अगले दिन खपा, पूरा दिन मेरा जाया हुआ, नहीं माना। आज का पूरा दिन भाई जान मैं लगा रहा हूँ, मैं आया 30,20,000 पे, 30,30,000 रुपये वो आ गया जिस 30.5 पे, वो नीचे नहीं आ रहा 30.5, और 30.5 में भाई सीधी बात है मुझे गाड़ी समझ में नहीं आती थी। 30,30,000 वॉज द समझ लो हाईएस्ट के, बस भाई इस ऊपर ये भी समझ लो सर डील बनाने की बात की, यार मेरा टाइम वेस्ट ना, थोड़ा टाइम मैं गाड़ी रख लूँगा, और कोई बात नहीं थी। तो माना नहीं, हम लोग एक और गाड़ी देखने जिसकी भी डिलीवरी लेने जा रहा हूँ, ठीक है, वो तुम लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ। वो हमें ऑटोमेटिक ना कितने की मिली है वो भी तुम लोग को ब्लॉक के एंड में बताऊँगा। तो भाई कहता जी, मैंने कहा यार भाई मेरे चलो एक काम करो, आप बयाने के साथ बयाना दे दो, आप जैसी बात अपनी बात से मुकर हो तो कोई बात नहीं, बात खत्म करते हैं, आप अपनी गाड़ी बेचो 31 लाख रुपये में, मुझे मेरा बयाना वापस कर दो। भाई मुझे कॉल आई है, कहता यार मैं आपको आपका 5,000 वापस करता हूँ। क्या मतलब 5,000 यार, अभी तो तूने मतलब अलग भाई बंदा है पूरा, यकीन करो बंदे के ना चाल चले से पता लग रहा था कि यार ये उस तरह का नहीं, लेकिन वही बात है जब जेब से पैसे जा रहे हो ना तो बंदे को पता लगता है। तो 5,000 दे देता हूँ, ये कर देता हूँ, लंबी कह रहा था। मैं कहा भाई मेरे देख, बात होती है जुबान की, सीधी सी बात है, मैं कहा अगर तुझे भाई ये भी मौत लगती है तो ये 5,000 भी रख, सीधी सी बात, अल्लाह ने हमें कमी नहीं रखी भाई, हमें ये गंदे बंदों से भाई अल्लाह ताला जान छुड़वाए, वह अल्लाह माफ़ करे भाई, अजीब किस्म के बंदे मतलब खुदा की कसम उस बंदे की शक्ल से लगता ही नहीं है कि भाई वो मतलब इस तरह की छोटी छोटी हरकतें करेगा। मैंने यकीन करो भी इसको कॉल पे ये बात की, मैं कहा भाई तू 5,000 भी रख ले, तू जान छोड़, नहीं नहीं मैं आपको 5,000 देता हूँ। मैं कहा भाई तू अपनी पहले एक अपनी डील की बात से तू मुकर है, तूने एक मतलब प्राइस पे टोकन पकड़ लिया, तू कह रहा है कि भाई मैंने डील मैंने वो कैंसिल कर दी, फिर तू बयाने के साथ बयाना नहीं दे रहा, तू चाहता क्या? मैं कहा तू ये जो 5,000 है ये मेरे सदके के तौर पर रख ले। नहीं आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो खाते पीते करके हैं, हमें किसी चीज़ की कमी है, तो फिर दे। मैं कहा फिर दे, फिर अपनी बात पर कायम रहे। बहुत लंबी कर रहा, नहीं मैं आपको 5,000 दे देता हूँ तो ये तो वो। मैं कहा भाई ठीक है जा, जान छोड़, माफ़ कर। मैं कहा भाई तू 5,000 ही दे खली वली। तो जो अभी हम लोग गाड़ी देखने जा रहे हैं ना बॉयज, वो समझ लो भाई मैं कहता हूँ इंजर पिंजर उस गाड़ी का मैंने खोल दिया, ठीक है। मुनीब को भी पिक करना है, जाके तुम लोग गाड़ी का सारा सीन पर बताता हूँ, उसमें जो जो नुकसान है भाईजान सारे निकाल के बाहर रख दिए कि भाई ये सीन है। वो चाचा बड़ा अच्छा है, तो चाचा के साथ डील बड़ी मुश्किल से बनी है, कितने में बनी वो भी बताता हूँ। लेकिन वो है 2017 मॉडल, टोटल जेन्युइन ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक है। तो मार्केट वैल्यू वैसे 33-34 है, बट बताता हूँ कितने की मिली हमें लस्सी। आगे आ रहा अंडरपास, और तुम लोगों को पता है अंडरपास में भाई हम क्या करते होते हैं। सो आर यू गाइस रेडी, एंड पे करते हैं बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। वॉइस काशिर भाई आ चुके, ठीक है, कैश वाइस के अंदर भाई कैश हमने पकड़ लिया, बाकी जो है वो ट्रांसफर मारना है। अरे बंदा हमें कॉल पे कॉल कर रहा है, ठीक है, तो लंबी नहीं करते फटाफट निकलते हैं। जाके भाई मैं तुम लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ और कितने की ली, क्या सीन पार्ट था वो भी बताता हूँ। लो बॉयस माशाल्लाह से हम लोग आ गए, और सामने अगली गाड़ी खड़ी है उसका रिव्यू तुम लोग जरा बाद में देते हैं, अभी फिलहाल पेमेंट कर लें। द
जाओ पानी पी के आओ। अच्छा भाई जान सीन जिस तरह हुआ है, पेमेंट हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया रहता है जो कि अभी हमने एटीएम से निकाला के देना भाई से बायोमेट्रिक लेनी है। अच्छा जो चाचा है ना, चाचा चाचे का बच्चा आया है, कहता क्या कहता एक बोर्ड का कश तो देना सर। बोर्ड का कश लिया 50 mg तक खांस खांस के पागल हुआ पानी पीने के। कहता मेरा बड़ा आ जाए यार क्या बंदे हैं। अच्छा तो बॉयज वो लोग गए हैं भाईजान अपना बायोमेट्रिक करवाने, इतना रश था तुम लोगों की सोच है भाई साहब। अच्छा मतलब कि बाबा जो चाचे का बच्चा है ना वो बकरा फैन हो, वो मैं गोल्ड गारंटी में बैठूंगा ये वो। मुझे तो भी लग रहा था अभी ना उसका अब्बा कहता कि उसका अब्बा कहता कि मेरे साथ आ, अदरवाइज ना जिद कर रहा था। मैंने कहा जिद क्यों कर रहे थे? कहता गाड़ी में बैठ के मैंने गाड़ी की आवाज़ सुनी थी, रेस देते आप। मैं कहा भाई वाह कमाल हो गई, मैं इसी काम के लिए रह गया हूं ना। कहते तो साउंड चेक कराऊं हैं, साउंड चेक करना है। रेडी है? रेडी जाओ जाओ जाओ। इधर गया आ जा। हाँ लड़के पास है, फैन हो गया भाई मैं। ये लोग पता नहीं किधर रह गए यार। यहाँ पे ना मसला पता क्या, यहाँ पे भी हैं डॉल्फिन वाले, ये ना हो गए वो लोग आ जाएं यार। नहीं वो अभी तो वो रिबॉन्ड में लगा कर रहा था वहाँ पे, ठीक है फिर मसले बाद में। क्या सही है यार मैं अभी समझ लो तो... अभी इसमें बड़ी चीजें जो मैंने नहीं कराई लेकिन इंशाल्लाह करवानी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये स्टेज वन क्यों करा ले रहा स्टेज वन ट्यून बहुत आगे की चीज मैं स्ट्रेट पर आठ की एवरेज आ रही, सोच कहाँ चली जाएगी यार। शौक था कोई मोल नहीं, फिर शौक था मोल कोई, लेकिन वही पता लग जाता था सम टाइम। अभी मेरे ख्याल मैंने हाफ वो करवाया था, एक सेकंड रुक, मैंने हाफ करवाई थी और अभी कितनी आ गई वो भैंस की तो बहुत नीचे आ गया, लेकिन चलो कोई नहीं। अच्छा तो बॉयज माशाल्लाह से भाईजान सारे मामला तुम्हारे हो गए ऑल गुड, और अब बस समझ लो सिर्फ इसको मैं जरा बंद कर देता हूँ वरना शोर बहुत आ रहा होगा। अब सिर्फ और सिर्फ समझ लो कि गाड़ी की डिलीवरी लेनी है, बाकी ऑल गुड सीन है, मसले वाली बात ही नहीं है यार। दो काम थे, बायोमेट्रिक थी और 1 लाख रुपया उनको देना था। वो 1 लाख रुपया 12 बज गए थे ना, तो लिमिट ऑलरेडी आ गई थी, वो हो गया भाई। गाड़ी की डिलीवरी थी, गाड़ी खड़ी है वो सामने जो देख रहे हो तुम लोग गैरेज, वो सामने उसमें खड़ी हुई है। तो निकालते हैं भाईजान, उन्हें कोई दूंगा मैं तो अपनी गाड़ी चलाऊंगा मस्त भाई जब, मैं अपनी ये वाली गाड़ी किसी को भी नहीं देनी। ठीक है जी, मुबारकबाद के साथ। ठीक है सर, सर जजाक अल्लाह आपको भी सर, बहुत बहुत मुबारक। मुनीब साहब बहुत बहुत मुबारक हो यार आपको भी यार। ठीक है जी, इस पे आप रिसीविंग ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ये भाई तो ग्रैंडी का फैन हो गया है ना, मैं बहुत ही फैन हूं भाई को मेरी तरफ से सॉरी कहना, मेरे ख्याल तीसरी बार उनसे पानी मांग रहा सॉरी यार मेरे भी तीसरी बार आपसे पानी मांग रहा। आजकल गर्मी है ना, प्यास ही बड़ी लग रही है यार। लो बॉयस माशाल्लाह से गाड़ी की डिलीवरी हमारी होगी कंप्लीट। ठीक है ये इधर खड़ी है, ये शहजादी इधर खड़ी है, बाकी जो इसकी डिटेल है ना वो तुम लोगों को पंप पे जाके देते हैं। ओके फिर भाई अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। बॉयज मैं तुम लोगों को बताता हूँ भाई गाड़ी कौन सी ली है। माशाल्लाह से ये है जी होंडा सिटी 2017 मॉडल बैंड जो तू तो परे हो एक मिनट गड्डी देखें दे माशाल्लाह उसे वॉइस। ये है 2017 मॉडल, ठीक है टोटल जेन्युइन गाड़ी है। ठीक है ये जो आर्च होती है ना ये दो फेंडरों की सिर्फ ये आर्च टचिंग में है, उसके अलावा बाकी भाई बाकी सारी सारी गाड़ी जो है वो जेन्युइन में है। क्रोसमेटिक एज यू गाइज कैन सी, ठीक है फुल यम पम्प और छोटे मोटे जो जो तीन चीज़ें हैं वो मैंने मतलब लाइक ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि भाई ये चीज़ें हैं। ठीक है ये आ गई हमारी एक से ज़्यादा, ठीक है ये आ गई हमारी एक शहजादी, वो आ गई भाईजान दूसरी शहजादी ये, लेकिन इसके साथ भाई मोहब्बत कोई नहीं करनी, ठीक है ये बिजनेस की गाड़ी ये चली जाएगी। वो तो भाईजान मोहब्बत वो खड़ी है ना हमारी, बाकी यार मुनीब भाई बहुत मुबारक आपका, बड़ी बिजनेस की गाड़ी है हमारी चलती रहती है, ठीक है सर्कल में रहती है यार। हाँ दिल नहीं लगाना भाई इन गाड़ियों के साथ, ये बस चलती रहती है सर्कल में रहेंगी यार इंशाल्लाह। लोग अभी भाई सबसे पहला काम हमने करना है इस गाड़ी के अंदर भी और इसमें भी ना पेट्रोल डलवाना है, तो पहले तो पेट्रोल डलवाएं यार। अच्छा बॉयस इस गाड़ी में हो गया पेट्रोल डन, उसमें डल रहा है वंस अगेन बहुत गंदी है, और मुझे पता है यार ये पूरा का पूरा व्लॉग भाई गाड़ी में आ गया होगा सो उसके लिए माजरत। तुमको पता है कभी बाहर घूम रहे होते हैं कभी भाई गाड़ी के अंदर हो रहे हैं, तो आज जरा सीन कुछ हिस्सा था उसके लिए माजरत, और डिलीवरी हमारी होगी डन। बाकी होती है तुम लोगों से मुलाकात नेक्स्ट व्लॉग में, लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो, अपना ख्याल रखो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।